हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे शी हल्क से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में तो जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और इस वीडियो में बात करूंगा हाईलाइट अपडेट के बारे में जो कि शी हल्क से ही रिलेटेड है। तो गाइस लिटरली वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का है और आप इस वीडियो को देखने के बाद शी हल्क के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है एपिसोड से रिलेटेड। तो मैं आपको हर एक एपिसोड की डिटेल बताऊंगा, पर वो टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं। उसके बाद का कुछ अपडेट नहीं आया, जो भी आया वो भी बहुत कमाल का है। तो पहला एपिसोड जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड, जी हाँ, जिसमें कि हल्क शी हल्क को ट्रेन करता है और शी हल्क काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो गुस्सा हो जाती है उसकी ट्रेनिंग से, उसके तानों से, तो वो लड़ती है हल्क से। जी हाँ, एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग को लीव कर देती है, चली जाती है। जी हाँ, तो हमें ऐसा एक सीन देखने को मिलने वाला है पहले एपिसोड में। फिर जब दूसरा एपिसोड स्टार्ट होगा तो दूसरा एपिसोड हमें एक्सप्लेन करने में मदद करेगा शैंग-ची वाले मूवमेंट को, जिसमें कि वोंग इनक्रेडिबल हल्क के विलेन को लेकर किसी प्रिज्म में जाता है। तो वो सीन इस एपिसोड 2 में एक्सप्लेन करा जाएगा और वहां से आपकी शायद मे बी टाइमलाइन भी क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ था उस इवेंट के दौरान। देन उसी के साथ थर्ड अपडेट है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे एपिसोड तक डेयरडेविल देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। और इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है जो कि अगस्त से लेके सितंबर और अक्टूबर तक चलने वाली है, जो कि बहुत बड़ा टाइम है इतनी बड़ी लंबी सीरीज को देखने का। मेरे हिसाब से तो सारे एपिसोड एक बार में रिलीज करने चाहिए, बताइए आपका क्या मानना है। उसी के साथ लास्ट अपडेट जो है वो है कि आपको फोर्थ एपिसोड के बाद जो अगला सीन देखने को मिलेगा वो मिड क्रेडिट सीन होगा, तो यानी कि वो मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एपिसोड्स के लिए, यानी कि जो 5 एपिसोड्स होंगे वो बहुत ज्यादा कमाल के होने वाले हैं इस सीरीज के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अभी हाल ही में रिलीज करी गई थी शी हल्क की एक क्लिप, जिसमें कि एक स्पेसशिप आता है उनकी कार के आगे और उनका तुरंत एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पे शी हल्क का ट्रांसफॉर्म होता है। तो अब जो वो शिप दिखाई गई है वो क्या है, तो एक्चुअली में बताया ये जा रहा है कि वो ग्रैंड मास्टर की शिप है जो कि आपने रैग्नारोक में देखी थी, और उस शिप के अंदर बैठा हुआ है हल्क का बेटा यानी कि सकार। ठीक है, अब सकार कैसे आया, कैसे पैदा हुआ, तो ये तो वर्ल्ड वॉर हल्क सेटअप का ही पूरा मूवमेंट है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हल्क को लेकर काफ़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है एमसीयू के अंडर। अब यूनिवर्सल अगर पूरे राइट्स देते हैं तो भाई लिटरली मार्वल धुआं कर देगा। चलिए बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, सीएल से रिलेटेड लेना देना नहीं है। जो अपकमिंग एंटमैन मूवी आ रही है उसमें एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग के बिलियंस वेरियंट देखने को मिलेंगे एक साथ, कुछ ऐसा मूवमेंट होने वाला है। और जिसने भी ये अपडेट दिया है भाई वो बहुत ही कमाल का अपडेट दिया है, और मैं तो कह रहा हूँ कि बस ये कट ना हो पोस्ट क्रेडिट सीन एंटमैन 3 से। बाकी आपको कैसे लगे ये अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।